हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द क्लास विद मी संगीता खटकर फैकल्टी ऑफ क्रोस इंटरनेशनल स्कूल स्टूडेंट्स इन टुडेस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर नंबर 1 ऑफ आवर लिटरेचर बुक द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर पार्ट 1 में हमने रीड आउट किया था कि इसमें एक जो नरेटर होते हैं उनको एक टेबल दिखाई देती है जो कि एंटिक टेबल होती है, उनको वो बहुत ही पुरानी तो वो सोचते है कि वो इसको रिपेयर कर लेंगे और ले वो इसको लेके चले जाते हैं जब वो उसको रिपेयर कर रहे होते हैं तब उनको पता चलता है कि उसके जो ड्रॉवर्स है जब वो उनको निकालते हैं तो उस ड्रॉवर्स में उनको एक टिन uh, बॉक्स मिलता है उस बॉक्स में एक एनल में उनको एक लेटर मिलता है वो लेटर जब वो रीड आउट करते हैं तो उनको पता चलता है कि किसी सोल्जर ने अपनी वाइफ के नाम लिखा हुआ होता है जिम uh, के नाम से ठीक है ये हमने इसके पार्ट वन में रीड आउट किया था सो लेट्स सी पार्ट टू ऑफ दिस स्टोरी डियरेस्ट कॉनी आई राइट टू यू इन अच है

तो उनको ट्रेंचेस कहते हैं तो हम लोग हमारे ट्रेंचेस के सामने खड़े हुए थे क्रिसमस मॉर्निंग को इट वाज क्रिस एंड क्वाइट ऑल अबाउट एज ब्यूटीफुल एज मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन एज कोल्ड एंड फ्रोस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी वो आगे बताते हैं कि यहाँ पर चारों तरफ क्रिस्प मींस खुशनुमा माहौल था बहुत अच्छा माहौल था एंड बिल्कुल शांति भी थी

Someone, सबसे पहले किसी ने देखा था एक व्हाइट फ्लैग व्हाइट फ्लैग मीन्स जो शांति का प्रतीक होता है, को करने का होता है. तो वो वेटेस उनके द्वारा जो ब्रिटिश सोल्जर uh, थे उनकी तरफ से देन देर कॉलिंग आउट टू आस फ्रॉम अक्रॉस नोम उसके बाद में वो लोग हमें आवाज लगाते हैं कहा से no से land मीन्स वो लैंड जो एक बाउंड्री एक लाइन होती है दोनों जो आदमी थी उनके बीच में जो जगह होती है एक सीमा रेखा होती है तो उसको इन्होंने नाम दिया है नोम no लैंड ठीक है जो बाउंड्री थी उनकी सीमा रेखा थी उसको हैप्पी क्रिसमस टॉमी और वो आवाज लगाते हैं हैप्पी क्रिसमस टॉमी तो वह हैप्पी क्रिसमस

ये सब हम कर रहे थे बट देन सडनली लेकिन तभी वन ऑफ देम वाज अप देयर इन हिज ग्रे ग्रेट कोट एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग तभी उनमें से एक जो ग्रे uh, कलर का ग्रेट कोट मतलब ओवर कोट बड़ा सा कोट पहने हुए थे एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग एक वाइट फ्लैग वेव करते हैं और कहते हैं डोंट शूट लेट्स की शूट मत करना गोली मत चलाना बॉयज Someone shouted उनमें से एक चिल्लाता है and no one did और कोई भी गोली नहीं चलाता है क्या कहते हैं वहां पर कि, आ, वो उनको बोलते हैं कि वो जो मुंडेर होती है पेरेक्ट का मतलब वहां पर जो मुंडेर बनाई हुई है एक बाउंड्री बनाई हुई थी छोटी सी तो वहां पर उस पर खड़ा होता है वो भी बोलता है कीप योर कि uh, तुम्हारे जो heads है उनको नीचे कर लो आई टोल्ड द मैन मैन को कहा इट्स ट्रिक कि हो सकता है ये इनकी कोई चालाकी होगी कोई ट्रिक होगी बट इट वॉज लेकिन ये कोई ट्रिक नहीं थी ये कोई चालाकी नहीं थी क्योंकि यहाँ पर जो ऑफिसर था उसको लग रहा था कि ये लोग उस उनको आ, बिल्कुल उनका माइंड जो है वो डाइवर्ट करके और उनको मारना चाह रहे होंगे लेकिन ऐसा नहीं था वन ऑफ द जर्मन अब अबो हिस्स उनमें से एक जो जर्मन था वो वेव कर रहे थे हिला रहे थे एक बॉटल अपने हेड पे। क्रिसमस और वो कहते हैं कि ये आज एक क्रिसमस डे है टॉमी आज के दिन क्रिसमस का दिन है वी हैव स्नैप्स हमारे पास में क्या है जर्मन पे है हमारे पास में स्नैप्स है वी हैव सॉसेज so हमारे पास में मसालेदार मीट है वी मीट यू हम तुमसे मिलने आ रहे हैं यस yes, हाँ हम तुमसे मिलेंगे बाय दिस टाइम देयर वर डजन ऑफ देम वॉकिंग टू आर और ये कहते ही उनकी तरफ से डजन ऑफ देम मतलब की में वो लोग हमारी तरफ चलकर आते हैं हमारी तरफ आते हैं एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम और जब वो हमारी तरफ आते हैं ना तो उनके पास में कोई राइफल नहीं होती है कोई उनके पास में गन नहीं होती की वो हमें शूट करने आते हैं लिटिल प्राइवेट मोरिस वॉज दस्ट अप और उनमें जो सबसे आगे होता है वो होता है लिटिल मोरिज जो होता है वो सबसे आगे होता है कम ऑन बॉयज आ जाओ बॉयज वट आर वी वेटिंग फॉर हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं And then there was no stopping them. और उसके बाद में तो कोई उनको रोक ही नहीं पाया वो लोग आते गए I was the officer. उस समय मैं वहां पर officer था

मैन वॉकिंग स्लोली टूवर्ड्स वन अन अदर और मैंने ये देखा कि वो लोग धीरे 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 हमारी सीमा रेखाओं की तरफ आ रहे हैं चलते हुए एक के बाद एक ग्रे कोट उन्होंने ग्रे कोट पहने हुए थे खाकी मीटिंग इन द मिडल और वो सब आकर मिडल में बीच में एक जगह पे मिलते हैं एंड आई वाज वन ऑफ दम और उनमें से मैं भी एक था आई वॉज पार्ट ऑफ दिस मै भी अब इस चीज का हिस्सा बन गया था इन द मिडल ऑफ दी वर मेकिंग पीस यहां पर मैं उस चीज का भी हिस्सा बन गया था कि एक वॉर के बीच में जब युद्ध चल रहा है दोनों तरफ एक दूसरे पे गोलाबारी हो रहा है, उस समय हमने वहां पर शांति तुम सोच भी नहीं सकते डियरेस्ट कोई द आईज ऑफ फ्रिज ऑफिसर की मेरी भावनाओं के बारे में उस समय मुझे क्या फील हो रहा था जब मैंने देखा जो फ्रिज ऑफिसर था उसकी आंखों में Who me, जो मेरे पास आया था stages, जो उसने मेरी तरफ अपने हाथ और उसने मेरा हाथ जो के साथ में पकड़ा और उसको होल्ड किया आई एम फ्रॉम ड्रॉप अब वो बोलते हैं कि मैं डोसल ड्रॉप से हूँ आई प्ले दिन दर्केस्ट्रा और मैं वहां पर एक ऑर्केस्ट्रा में सैलो प्ले करता था बजाता था सेलो मींस एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि बड़े वायलिन की तरह दिखाई देता है हैप्पी क्रिसमस और वो आके मुझे हैप्पी क्रिसमस बोलता है कैप्टन जिब मैकफर्सन आई रिप्लाइड मैं उनको रिप्लाई करता हूँ कैप्टन जिब मैकफर्सन कि मैं कैप्टन जिब मैकफर्सन हूं एंड आई हैप्पी क्रिसमस टू यू टू और आपको भी क्रिसमस की बहुत-बहुत शुभकामनाएं आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डोरसेट मैं डोरसेट में एक स्कूल टीचर हूँ इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड इंग्लैंड वेस्ट इंग्लैंड के वहां पे तो वो रिप्लाई करता ओ डोरसेट ही स्माइल वो बोलता है अच्छा डोरसेट और ये कहते स्माइल करता आई नो दिस प्लेस इस जगह को तो मैं जानता हूँ आई नो इट वेरी वेल इस जगह को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं वी शेयर्ड माय रॉम राशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज हमने शेयर की मेरी जो रम है मींस जो ड्रिंक है हमारा वो और हमारे जो एक्सेलेंट सोसेस थे वो हमने एक दूसरे के साथ में शेयर करिए मींस हम एक दूसरे के साथ हमारी चीजें जो हैं उस समय शेयर करते हैं ये यह यहाँ पर अपनी-अपनी फीलिंग्स को वो बता रहे होते हैं कि किस तरह से हमने एक दूसरे के साथ में अपना टाइम स्पेंड किया था तो वो बोलते हैं

खाकी जैसा कि मैं देख रहा था वहां पर तो वहां पर क्या था वहां पर बहुत झुंड झुंड जुंद हमें दिखाई दे रहा था चारों तरफ खाकी और ग्रे कलर में Means उनकी जो वियरिंग थी नो no के वहां पर ये सब उनको दिखाई दे रहा था स्मोकिंग लाफिंग टॉकिंग ड्रिंकिंग ईटिंग और हम सब वहां पर ये सब कर रहे थे हम लोग बहुत सारे लोग स्मोकिंग कर रहे थे आपस में हंस रहे थे बातें कर रहे थे और जो ग्रे और जो उनकी खाकी जो ड्रेस थी वो चारों तरफ उसकी भीड़ हमें देखने को मिल रही थी तो ये सब हमने शेयर किया था वट वॉज योर वंडरफुल क्रिसमस केक कौन ही अब वो कह रहे हैं कि बस जो रह गया था वो क्रिसमस का केक रह गया था कौन थोड़ा मार्जीपेन वॉज द बेस्ट ही टेस्टेड अब वो कह रहे हैं कि कोनी ने और मतलब मैंने जो क्रिसमस का केक है जो बच गया था तो हमने उसका एंजॉय किया और उनके अकॉर्डिंग जो मार्जिपन है मार्जिपन मीन जो केक के ऊपर जो शुगरी एक होती है और उसका टेस्ट के लिए बोल रहे हैं कि वो सबसे बेस्ट था उस केक में आई एग्रीड और इस बात से मैं भी एग्री था मुझे भी वही सबसे टेस्टी लगा वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग हम दोनों के विचार हर चीज में मिल रहे थे हम हर चीज में एग्री थे एंड ही वाज माय एनिमी लेकिन बात ये भी थी ना कि वो तो मेरा दुश्मन था फिर भी हमारी थिंकिंग मिल रही थी देयर नेवर वाज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कोनी अब वो कह रहे हैं कि ऐसी क्रिसमस पार्टी कभी नहीं हुई थी कोनी हिस्ट्री में भी ऐसी क्रिसमस पार्टी देखने को नहीं मिलती है देन समवन आई डोंट नो हु बोट आउट ए फुटबॉल उसके बाद में किसी ने मुझे नहीं पता किसने लेकिन किसी ने एक फुटबॉल वहां पर निकाली थी अब uh, uh, कह रहे हैं कि जो great थे, जो बड़े बड़े ओवर कोट उन्होंने पहने हुए थे उनको डंप ढेर के रूप में वहां पर uh, मतलब लाइंस बना दी थी उन्होंने गोल पोस्ट डालने के लिए लाइनिंग क्योंकि वहां पर आई सी थी तो उनके पास और कुछ था नहीं तो उन्होंने अपने जो कोट थे उनको उतार के गोल पोस्ट के लिए लाइंस बना दी एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वाज टोमी अगेंस्ट फ्रिज और अगली चीज जो हमें पता चली वो था कि टोमी था मिडल no no ऑफ फिर जब खेलना स्टार्ट करते हैं उस समय वो कह रहे हैं कि वो लोग खेल रहे थे फिर आई लुक्ड ऑन एन चेयर हैं उन सबको देख रहे थे हम चेयर कर रहे थे क्लैप कर रहे थे हमारे को and our feet. और हमारे हमारे कर कर रहे रहे थे, थे को भी हम पर आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग ताकि ठंड को हम हमारे से दूर रख सके हमें ठंड भी ना लगे देर वॉज मोमेंट वेन आई नोटिस आर ब्रीथ उस समय ये वो पल था जब मैंने नोटिस करी क्या नोटिस करी हमारी ब्रीथ को हमारी सांसों को जो मिंगल हो रही थी मीन्स ऊपर जाकर मिक्स हो रही थी हवा में हमारी दोनों की सांसे. He was इट टू एंड smiled और उसने भी इसको देखा और स्माइल किया जिम मैकफर्सन। ही सैड वो कहता है जिम मैकफर्सन और उसके बाद में रुककर कुछ कहता, कि यही वो चीज़ है को, को फुटबॉल मैच कि इस तरह से फुटबॉल मैच में किसी की भी डेथ नहीं होती है आपस में खेल रहे हैं कोई मरेगा नहीं नो चिल्ड्रन आर ऑर्फेंट ना ही कोई बच्चा अनाथ होगा नो वाइफ बिकम विडोज और ना ही किसी की वाइफ विधवा होएगी मतलब ये जो मैच खेल रहे हैं यही सही है जिसमें हार जीत तो होगी लेकिन किसी का जान का नुकसान नहीं होगा आई वुर क्रिकेट तो मैंने उनको कहा कि मुझे तो क्रिकेट अच्छा लगता है आई टोल्ड हिम मैंने उसको बताया देन वी टोमीज विनिंग प्रोबेबली देन उसके बाद में वो कहते हैं कि हम जो टोमीज है जीतने के लिए आश्वस्त हो सकते हैं श्योर हो सकते हैं

कि आर गोल वाज वाइडर देन देयर वो ये कहते हैं कि हमारा जो गोल है उनके गोल से अधिक वाइडर था चौड़ा था सो इट वाजंट क्वाइट फेयर तो इसलिए यह बिल्कुल निष्पक्ष नहीं था कि भाई हमारी ही हार हो दोनों इक्वल हैं उनका कहने का मतलब था लगभग दोनों इक्वल्स है दैट टाइम केम अब वो समय आ गया था जल्दी ही और uh, जल्दी when the game was finished, कि उनका जो फुटबॉल का गेम था वो खत्म हो गया था द रम एंड लॉन्ग रन आउट और जो भी इनके खाने पीने की चीजें थी लाइक like रम था उनका जो जर्मन पे था और जो स्पाइसी uh, जो वो मीट खा रहे थे वो सब चीजें उनकी जो थी वो फिनिश हो गई थी आई ही वुड कि कि uh, दी और कहा कि मुझे आशा है कि वो जल्दी ही अपनी फैमिली से मिलेंगे that the would जब जब खत्म हो जाएगा and we could all go home जब हम सभी हमारे घर जा सकेंगे आई थिंक दैट इज वॉट एवरी सोल्जर wants. और मैं तो ऐसा सोचता था कि आई थिंक मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये चीज हर सोल्जर चाहता है ऑन बोथ साइड्स दोनों ही साइड के दोनों ही साइड के जो आर्मी मेंबर्स हैं वो भी ये चाहते थे कि ये सब एंड हो जाए हैंसफुल साइड हैंसफुल कहते हैं टेक केयर जी मैकफर्सन कि अपना ध्यान रखना जी मैकफर्सन आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नोर यू इस मोमेंट को इस पल को मैं कभी नहीं भूलूंगा और ना ही तुम ही सल्यूटेड वो सल्यूट करता है एंड वॉक्ड अवे फ्रॉम मी स्लोली

हजारों की संख्या में जो ग्रे कोटेड मैन थे उनके अंदर मिक्स हो जाते हैं बैक टू वार्ड देर ट्रेंचेज और ये सब करते हुए वो वापिस अपनी ट्रेंचेज के वहां पहुंच जाते हैं That night, उस रात back in our डोर्स अब अब डोर्स का मीन्स वही ट्रेंचेज है जब वो अपनी ट्रेंचेज में जाते हैं वी हैड देन सिंगिंग अ कैरोल तो हमें सुनाई देते हैं वो लोग कैरोल गाते हुए मतलब वो क्रिसमस सॉन्ग गा रहे हैं एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली और वो बहुत ही सुंदर उसको गा रहे हैं बहुत बहुत ही प्यारा उनको गा रहे हैं इट वाज सटिल्नेस साइलेंट नाइट और वो क्या गा रहे हैं बिल्कुल साइलेंट नाइट शुभ शांत रात्रि वाला गीत था वो वो गाते हैं और बॉयज गेव देम राउजिंग कोरस ऑफ वाइट शेफर्ड बोड्स तो हमारे जो बॉयज होते हैं हमारी तरफ से भी जो लड़के होते हैं उन्होंने भी जोश रूप से वाइल्ड नाम का एक जो कोरस है मतलब जो ग्रुप सॉन्ग है उनको रिप्लाई करते हैं वी एक्सचेंज कैरोल्स फॉर अ वाइल थोड़ी देर तक तो हम एक दूसरे के लिए गाना गाते रहते हैं एंड देन वी ऑल फील फेल साइलेंट उसके बाद में हम सब चुप हो जाते हैं we, we had, had अब कह रहे हैं कि आ, तो हम लोग बिल्कुल थोड़ी देर एक दूसरे के लिए आ, अच्छा हम लोगों ने एक दूसरे के साथ समय बिताया है बहुत अच्छा स्पेंड किया टाइम एक ऐसा समय टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज लिव कि ऐसा समय जिसे मैं जीवन भर जितना जिंदा में रहूंगा मेरी लाइफ जितनी रहेगी मैं हमेशा उसको ट्रेजर के रूप में सुरक्षित रखने की कोशिश करूंगा

लॉन्ग फॉर पीस कि आज दोनों ही तरफ की जो आर्मीज हैं वो शांति की कामना करती हैं वो प्रे करती हैं कि ये सब खत्म हो जाए वी शैल बी टूगेदर अगेन सुन हम जल्दी एक साथ होंगे मिलेंगे आई एम श्योर ऑफ इट ये मैं आशा करता हूँ कि मैं जल्दी ही तुमसे मिलूंगा योर लविंग जिम तुम्हारा प्यारा जिम तो इस तरह से ये हमारा जो पार्ट टू है इस स्टोरी का खत्म होता है आगे देखते हैं इसके पार्ट थ्री में यहां पर कुछ कॉम्प्रिहेंसिव चेक क्वेश्चन दिए हैं आप लोग इसे सोल्व करना अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं देन पार्ट थ्री इसका स्टार्ट होता है पार्ट थ्री में क्या होता है यहाँ पर हमें बताया है कि आई द लेटर अगेन कि जो नरेटर होते हैं जो माइकल uh, मोरपरगो uh, होते हैं वो कहते हैं कि आई फोल्डेड द लेटर अगेन मैं उस लेटर को वापस फोल्ड करता हूँ एंड स्लिप इट केयरफुली और इसको फोल्ड करने के बाद में मैं सावधानी पूर्वक वापस लिफाफे में इसको खिसका देता हूँ आई कैप्ट अवेल नाइट पूरी रात में जगा रहता हूँ मुझे उस रात नींद नहीं आती है बाय मॉर्निंग आई न्यू वॉट आई हैड टू डू मुझे पता था कि सुबह मुझे क्या करना है आई ड्रो इन टू पोर्ट उसके बाद में मैं ब्रिट पोर्ट के लिए निकल जाता हूँ hmm, क्योंकि uh, गाड़ी चलाकर मैं जाता हूँ क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि मुझे क्या करना है जस्ट फ्यू माइल्स अवे जो कुछ ही दूरी पर था आई आज अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेज वॉज तो मैं एक बॉय से पूछता हूँ जो कि अपने डॉग के साथ वो कर रहा है कॉपर के वहां पर हाउस नंबर ट्वेल्व टर्न आउट टू बी नथिंग बट बर्न आउट शेल मैं उससे पूछता हूं कि कॉपर बीच कहाँ पर है तो वो कहता है कि हाउस नंबर ट्वेल्व तो कुछ भी नहीं है आग से बिल्कुल खत्म हो गया है सिर्फ बाहर बाहर का उसका बचा हुआ है द विंडोज बोर्डेड अप बाहर जो है जिसकी खिड़कियां हैं वो टूटी हुई हैं लकड़ी की खिड़कियां जो मतलब जो विंडोज हैं वो जो वुडन के जो बोर्ड हैं उनसे ढक रखे हैं आई नोकड एट द हाउस नेक्स्ट डोर अब मैं नेक्स्ट डोर पे जो हाउस होता है उसको नोक करता हूँ और पूछता हूँ इफ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट्स ऑफ अ मिसेस मैकफर्सन कि मिसेस मैकफर्सन को वहां पर कोई जानता है या नहीं कि कोई मिसेज मैक्सवर्सन की एग्जैक्ट uh, कंडीशन क्या है उस टाइम उसके बारे में पता है क्या ओल्ड oh मैन yes, तो होता है वहां पर एक वो कहता है, oh, हाँ, जो अपने स्लीपर्स में होता ही हर वो कहता है कि मैं उसको बहुत अच्छे से जानता हूँ अ लवली ओल्ड लेडी बहुत ही प्यारी ओल्ड लेडी है me, उसने मुझे बताया था अब बिच मडल हेडेड अब वो बता रहे हैं यहाँ पर कि मडल यहाँ बूढ़ी हो गई है लेकिन जब वो अपनी एज में थी वो बहुत ही अच्छी लेडी थी क्या नहीं थी अ हंड्रेड एंड वन ईयर ओल्ड अः वो हंड्रेड और वन ईयर की हो गई है शी हैड बीन इन द हाउस वेन इट कोट फायर वो इसी घर में थी जब इसमें आग लगी थी no one really knew how the fire had started. किसी को वास्तव में नहीं पता कि कि इसमें आग कैसे लगी। but it could well have been candles. लेकिन सब ऐसे सोचते हैं कि हो सकता है इसका कारण कैंडल्स हो कैंडल्स की वजह से ये फायर लगी हो शी यूज कैंडल्स देन इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज वो कैंडल्स का यूज करती थी इलेक्ट्रिसिटी के बजाय क्यों कि क्योंकि, क्योंकि वो हमेशा सोचती थी कि बहुत ही है आउट जस्ट इन टाइम और जो फायरमैन है उन्होंने सही समय पर उसको बाहर निकाल लिया शी नर्सिंग होम नाउ अभी वो एक नर्सिंग होम में है me, ने मुझे बताया बर्लिंगटन हाउस और नर्सिंग होम का नाम मुझे उन्होंने बताया था कि उसका नाम था बर्लिंगटन हाउस ऑन द डोरचेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन कि वो डोरचेस्टर रोड जो है जो कि टाउन के उस तरफ है वहां पर अभी वो नर्सिंग होम है उसमें वो है I found Burlington House nursing home easily enough. और मैं मुझे, मुझे बहुत ही आसानी से जो Burlington House था nursing home मुझे easily मिल गया था There were paper chains up in the hallway and a lighted क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर अब वो कह रहे हैं वहां पर कि वहां पर बहुत सारी जो पेपर की चेन्स थी उनसे मतलब चेन्स बनाई हुई थी डेकोरेशन किया हुआ था होल्वे में एंड अ लाइटेड क्रिसमस ट्री और एक क्रिसमस ट्री जो कि उसपे लाइट जल रही थी जगमगा रहा था वही कॉर्नर में था विद एंगल ऑन अ टॉप कि उसका जो एक टॉप पे मतलब तिकोना सा जो उसका एंगल था उसको बता रखा था उन्होंने कि टेढ़ा मेढा उसको काटा हुआ था साइज uh, का वो नहीं था आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसेज मैकफर्सन तो मैंने उनको बताया कि मैं मिसेज मैकफरसन का फ्रेंड हूँ जो उनसे मिलने आए हूँ टू ब्रिंग हर क्रिसमस प्रेजेंट और मैं उनके लिए क्रिसमस प्रेजेंट लेकर आया हूँ आई कुंगने हुए हैं और वो सब सिंगिंग कर रहे हैं द मेट्रॉन हैड और वहां पर जो मेट्रोन था मेट्रोन मीन्स जो वहां की हैड थी लाइक uh, हॉस्टल like में हॉस्टल वार्डन होती है वैसे ही वहां की जो मेट्रोन थी जो हैड थी उस नर्सिंग होम की हैड ऑन थ्रू उन्होंने भी एक हैड पहनी हुई थी एंड और uh, और वो मुझे pie, और मुझे देख मुझे देखकर देखकर खुश दिखाई दे रही थी. उसने किया था एक pie, means, uh, जो pie होते है, means टाइप में होती है तो वो मीट की थी तो वो मुझे ऑफर करती कॉरिडोर वो मेरे साथ कॉरिडोर तक चलकर आती है मिसेज मैकफर्सन इज नॉट इन विद द अदर्स तो वो बताती है कि मिसेज मैकफर्सन दूसरों के साथ यहाँ पर नहीं है शी टोल्ड मी ऐसा उन्होंने मुझे बताया शी इज रदर कंफ्यूज टुडे सो वी थॉट इट बेस्ट इफ शी हैड अ गुड रेस्ट क्योंकि वो आज थोड़ी कंफ्यूज थी तो हमने सोचा कि अगर उनका एक अच्छा रेस्ट हो जाए तो ज्यादा बेटर है शी हैज नो फैमिली यू नो तुम्हें तो पता ही है कि उनकी कोई फैमिली तो है नहीं नो वन विजिट कोई उनसे मिलने भी नहीं आता है

सूखे सूखे बांस बांस की की बनी जो की बनी जो जो विकर होती हैं और वहां पर चारों तरफ गमले रखे हुए हैं वो वहां पर मुझे लेडी एक व्हील चेयर पर बैठी हुई थी हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप उनके जो हैंड्स थे वो उनकी गोदी में फोल्ड किए हुए थे मतलब अपने हैंड्स को वो फोल्ड करके अपने गोद में रखा हुआ था सिल्वर व्हाइट हेयर पिंड इंटू ए विस्पी बन और उसके जो बाल थे वो सिल्वर uh, जैसे बिल्कुल व्हाइट हो रखे थे और उन्होंने अपना एक बन बना रखा था जूड़ा बना रखा था सी वाज गैजिंग आउट एड

I think it's your. ये 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 चीज मुझे मिली थी और मैं मैं सोचता हूं ये तुम्हारे लिए लिए पर नरेटर उस के के बारे में बात कर रहे हैं जब मैं उसको ये कह रहा था तो उसकी आँखों ने मिनट भी अपनी नजर मेरे फेस से नहीं हटाई आई ओपन टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर मैंने उस टिन बॉक्स को ओपन किया और वो लेटर उसको दिया देनेशन एंड हर फेस बिकम विद अ सडन ग्लो ऑफ़ हैप्पीनेस और जब मैंने उसको ये दिया उस मोमेंट में उसकी आंखों में एक अलग सी रोशनी आ गई थी कि जैसे उसने मुझे पहचाना हो और उसका जो फेस था वो बहुत ही सफ्यूज हो गया था मतलब पूरे फेस पे एक अलग ही रोशनी फैल गई थी ग्लो आ गया था उसके पूरे फेस पे और उसके बाद में आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क तो मैं आ, उनको कोनी को उस डेस्क के बारे में बताता हूँ कि किस तरह से मुझे ये लेटर मिला अबाउट हाई आई हैड फाउंड इट कि मैंने ये लेटर कहाँ से मैंने पाया है मुझे कैसे मिला है बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ कि वो मुझे मैं ऐसा सोच रहा था कि वो तो मुझे सुन भी नहीं रही थी फोर ए वाइट एक पल के लिए शी सैड नथिंग वो कुछ भी नहीं बोली बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप फिंगर और उसके बाद में वो धीरे-धीरे अपने फिंगरटिप्स से उस लेटर के ऊपर हाथ फेरती है सडनली शी रीच्ड आउट एंड टूक माय हैंड तभी अचानक वो क्या करती है मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाती और मेरा हाथ पकड़ लेती है हर आईज वर फिल्ड विद टीयर्स उसकी आंखें जो थी वो आंसुओं से भर गई थी यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाय क्रिसमस तुमने मुझे कहा था कि तुम क्रिसमस पर घर आओगे और तुम आ गए शी सैड वो कहती है एंड हेयर यू आर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड और तुम यहाँ आ गए हो ये मेरे लिए सबसे बड़ा क्रिसमस का प्रेजेंट है वर्ल्ड में कम क्लोजर मेरे पास आओ जिम डियर सिट डाउन प्यारे जिम मेरे पास आओ और बैठ जाओ आई सेट डाउन बिसाइड हर मैं उनके पास में बिल्कुल पास में जाकर बैठ जाता हूँ एंड सी किस्ड माई चिक वो मेरे चिक्स पे किस करती हैं आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम मैंने तुम्हारा लेटर बहुत बार पढ़ा बेट बहुत बार पढ़ा है एवरी डे रोज बहुत बार पढ़ती हूँ आई वॉन्टेड टू हीयर योर वॉइस इन माई हेड मैं तुम्हारी आवाज जो है मैं आ, सुनना चाहती थी मेरे खुद के मस्तिष्क से मेरे हेड से इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी और क्योंकि ये आवाज सुनकर मुझे ऐसा लगता था कि तुम मेरे साथ ही हो एंड नाउ यू आर और अभी तुम मेरे पास ही हो नाउ यू आर बैक यू कैन रीड इट टू मी योरसेल्फ और अब ये लेटर तुम आ ही गए हो तो तुम भी ये लेटर अब मेरे साथ पढ़ सकते हो वुड यू डू दैट फॉर मी क्या तुम मेरे लिए करोगे डियर जिम आई जस्ट वांट टू हियर योर वॉइस अगेन मैं तुम्हारी आवाज वापस से सुनना चाहती हूँ आई वुड लव दैट सो मच ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है मिस डू इस, इस चीज को सुनना मुझे बहुत अच्छा लगेगा एंड देन परहैप्स वी विल हैव समथिंग और उसके बाद में हम शायद कुछ चाय पिएंगे आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक और उसके बाद में कहती है कि मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा क्रिसमस का केक बनाऊंगी मार्जिपन uh, वाला ऑल अराउंड जिसके चारों तरफ मार्जिपन होगी मींस वो क्रीमी शुगरी जो टेस्ट है वो आएगा आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपन क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें मार्जिपन मीन केक के ऊपर जो लेयर लगी है वो तुम्हें कितना अच्छी लगती है ये बात माइकल मार्पर्गो ने अपने इस uh, के द्वारा हमें बताई है तो यहाँ पर इस जितने भी हमने पढ़ा है उसका एक ही कंक्लूजन निकल के आता है कि लास्ट में जब माइकल मरपरगो उनको वो लेटर देने जाते हैं तो मिसेस कॉनी जो होती है उनको ये लगता है कि उनके हस्बैंड उनके पास वापस आ गए और वो यही समझकर उनसे बात कर रही है तो स्टूडेंट आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर थैंक्स फॉर वॉचिंग